गोल लगातार समाचार बा ब्रह्मपुर से। सेमरी प्रखंड के कठार गांव के खेल मैदान में रविवार के एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन कल गए, जेकर विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष परमानंद यादव, राजद जिला पार्षद सोनू सिंह, चंदा पंचायत मुखिया अजीत सिंह, अतिथि वीर सिंह, भाजपा नेता सत्येंद्र कुंवर कठार, मुखिया ललन पासवान, तारकेश्वर व्यास संयुक्त रूप से दीप के जला के खेल के मैदान पर फीता काट के शुभारम्भ कैलें। छः ओवर के टूर्नामेंट में समय के कमी के चलते फाइनल मुकाबला चार ओवर के खेल गए। टूर्नामेंट में प्रखंड क्षेत्र के 7 गो टीम भाग ले रहे। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबला शांतिनगर कठार के टीम और गिरजी के मठिया टीम के बीच खेल गई। कठार के टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करत 76 रन के लक्ष्य दिलस। दोसर टीम लक्ष्य के पीछा करत 63 रन पर आउट हो गई। कठार के टीम जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर अपन कब्जा जमैलस। टूर्नामेंट के दौरान शारीरिक दूरी और मास्क के उपयोग करत सैकड़ों के संख्या में खेल प्रेमी क्रिकेट टूर्नामेंट के आनंद ले रहन। मैच के अतिथि के टूर्नामेंट के आनंद ले रहन। मैच के मुख्य अतिथि सब अतिथि से खिलाड़ी से हाथ मिला के उनका हौसला बढ़िले। मैच खेले से न सिर्फ शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि होला बल्कि एगो टीम भावना भी विकसित होला। इस तरह के आयोजन होते रखे चाहिए, ये मुख्य अतिथि लोग कहल। इस दौरान मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार कठार के टीम के भूषण कुमार के दिल गई। वही मैन ऑफ द सीरीज वरिष्ठ टीम के संजय कुमार के सम्मानित कर गई। वरिष्ठ टीम के संजय के अपन अच्छे बल्लेबाजी के प्रदर्शन और टीम में सबसे अधिक रन बनावे खातिर मुख्य अतिथि जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष परमानंद यादव नगद राशि दे के सम्मानित कैनी। साथ ही साथ अन्य खिलाड़ी के भी सम्मान कैनी। विजेता एवं और उप विजेता टीम के ट्रॉफी दे के संयुक्त रूप से सब अतिथि सम्मानित कैले। मैच के कमेंट्री रवि चौरसिया कैले, जबकि यह टूर्नामेंट के आयोजन सिंह क्रिकेट क्लब कठार कैले रहे, जिसमें अहम भूमिका लोजपा जिला महासचिव मृत्युंजय सिंह और समाजसेवी सिंटू निभैलें। इस दौरान कठार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष नीरज सिंह, डून पब्लिक स्कूल के निदेशक अमित कुमार।